जनपद के थाना धनारी क्षेत्र के गांव नगला चतुर्भानपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए दो मेहमानों की जहरीली शराब पीने से अचानक मौत हो गई, जिसके बाद शादी समारोह में मातम सा छा गया और पुलिस को सूचना दी गई, जहां पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार कल्याण सिंह की बेटी की शादी के समारोह की खुशी में शामिल होने के लिए कल्याण सिंह का चचेरा भाई उदमान और तौकी तथा सुरेश ने गांव में कहीं से अवैध जहरीली शराब खरीदकर पी ली और शराब पीते ही तौकी व उदमान की हालत बिगड़ने लगी। जब तक परिजन उन्हें उपचार के लिए कहीं बाहर ले जाते तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी ने बताया कि परिवार में शादी समारोह की खुशियां मनाई जा रही थी। वहीं उनके पति एवं दो अन्य व्यक्ति ने गांव के ही हरिओम की दुकान से शराब के दो पव्वे लेकर आए, जिन्हें पीने के बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की बात कर रही है। सवाल एक बार फिर वही कि लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, फिर भी इस ओर ढिलाई बढ़ती जा रही है। संभल में भी यही हुआ। जानकारी के अनुसार धनारी के आसपास के कई गांवों में अवैध रूप से अवैध शराब बेची जाती है और लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन क्या इसकी सूचना आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को नहीं है? और अगर है तो किसकी शव पर यह गोरख धंधा चल रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। पेश है हमारे संभल के संवाददाता कपिल वाशनिया की यह खास रिपोर्ट। धनारी थाना क्षेत्र के नगला चतुर्भानपुर में कल्याण है व्यक्ति जिनके घर पे शादी समारोह था, वहां पे बहुत सारे उनके रिश्तेदार आमंत्रित थे और वो आपस में खाना पीना कर रहे थे। इसी बीच में दो व्यक्ति जो तोकी और उरमाल हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई रात्रि में और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कई सारे लोग शराब पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे, जिसमें केवल दो ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी और हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनकी मृत्यु घोषित कर दिया गया था और इनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी इनकी सारी जांच की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई कारण नहीं निकल के आया है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई हो। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि मृत्यु का कारण क्या था और उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी कई सारे लोग, इनके कई सारे रिश्तेदार जो वहां पे इकट्ठे थे, वो सारे लोग खाना पीना कर रहे थे और केवल दो ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी और इन सभी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडी भेज दी गई है और वहां पे जितने भी साक्ष्य पाए गए हैं, फूड के और अदर साक्ष्य, उन सबको कब्जे में लेकर के मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। उसके आधार पे जो भी रिजल्ट आएंगे उसके आधार पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रधान जी, आज ये आपके गाँव में दो लोगों की मौत हुई है, वो कैसे, क्या मामला है? ये मेरी जानकारी में शराब के कारण हुई है, विषैली शराब के कारण। अच्छा, कितने, दो लोग मरे हैं? दो लोग मरे। अच्छा, कहाँ कहाँ के थे ये? एक तो हमारे गांव के थे, उरमान पुत्र इंद्र। अच्छा, दूसरे? दूसरे कोई रिश्तेदार थे, श्यामलाल। अच्छा, ये किस फंक्शन में आए थे? कल्याण सिंह की लड़की की शादी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरनाम है जी, सरनाम सिंह यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? इसी गांव के, नगला चतुर्भानपुर। अच्छा, ये जो रात, क्या हादसा हुआ है? ये ऐसा था, हमारे परिवार में लड़की की शादी थी तो शादी में हम सब लोग व्यवस्था बना रहे थे। हमारा एक मेहमान आया था तो हमारे जो भाई उरमान है, ये बोले कि आ जाओ थोड़ा बहुत लोगे, मतलब तो आप उसमें ये एक पौवा लिया था और ये पौवा पता नहीं कहाँ से लाए थे, तो इन्होंने एक पौवे से दो पैक लिए आपस में। दोनों पैक पीने के बाद 10 मिनट में ही आपस में एक इंगे गिरा और एक इंगे गिरा। उसके बाद हमें पता चला कि ये ऐसे ऐसे बेहोश हो गए, इनको फिर हम तुरंत लेके भगी दवाई के लिए। अच्छा, बताया जा रहा है दूसरा भी पौवा लेकर आए थे, उसमें से किसी तीसरे व्यक्ति ने पी थी। तीसरे व्यक्ति के मुझे साथ पता नहीं है, मैं कैसे कह दूंगा तीसरा व्यक्ति था। हमें तो ये पता कि दोनों भाई एक पौवे में पिए थे इन्होंने। अच्छा, तो इसमें कितने लोग खत्म हुए हैं? इसमें दो, दो लोग। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? नगला चतुर्भानपुर। ये जो रात खत्म हुए हैं दो लोग, इन, ये आपके कौन लगते थे? ये चाचा जी हैं। अच्छा, कैसे खत्म हुए हैं, क्या मामला हुआ है?
ये पूरे दिन भराई फराई करी और एक बारात आई चार दिन लड़की की, शादी में बारात वालों को खाना फाना खिलवाया, अपने घूमने निकले आए तो निकले आए, इनके लड़का की शादी तय हो गई, गए रिश्तेदार है तो दोनों घेर में बैठे, तो गए रिश्तेदार घेर में बैठे रह गए तो अपना गांव के लिए निकले आए, तो फिर दारू लेके आए कहीं से क्वार्टर, तो वो ही पिए। तो क्या क्वार्टर लेके आए थे? मैंने तो यही सुना है। अच्छा, तो कितने लोग खत्म हुए उससे? दो लोग। क्या आप इनकी कौन थी वो जिसकी शादी थी? अच्छा, क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि तीन लोगों ने दारू पी थी, एक व्यक्ति बच भी गया है? हाँ, पता नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं, दो लोग होने में तो। अच्छा, आपका आधार कार्ड में तो सोनवती है। मेरे ज्वाला है। ज्वाला नाम है। किस गांव की रहने वाली हो आप? नंगरा चतुर्भानपुर की। क्या हुआ था आपके साथ, क्या हादसा हुआ? ये शादी किसकी? देवरतिन की। अच्छा, फिर? तो शराब ले आए दुकान पे थे, गांव में थे। कौन लेके आए थे? गेई लाए, तीन जने लाए। आपके पति? हाँ। और दोनों तीनों जने ने पी, एक तो सही है गई और एक दो खत्म हो गई। कहाँ से लेके आए थे दारू? दुकान पे थे, ले गए थे गांव में। क्या कोई ब्लैक में बेचता है आपके गांव में? दुकान पे धर ली। दुकान पे रख ली है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है उसका? हरिओम नाम है। हरिओम नाम है। हाँ। तो क्या दारू जो है शराब जहरीली थी, क्या बात? अब ना मालूम भैया, जहरीली पियते ही खन तुरंत ही उल्टी आ गई उनको। अच्छा। हाँ, हम तो ही ना पेशाब करना आई तो तुरंत ही गिर गई, पियत खन उल्टी आ गई तुरंत ही पेरान लिखा है। अच्छा। हाँ। और कौन लोग थे, वो कौन है आपके दूसरे? हमारी फुपुआ सास के भतीजे। अच्छा, वो भी खत्म हो गए? हाँ, वे भी खत्म। कहाँ के रहने वाले हो? शैमरात। शैमरात थाना गुन्नौर। बमाशा। तो क्या डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया था आपने? गिन्नौर को ले गए, उन्होंने तुरंत ही वापस कर दे। क्या कहा? ना कही के इसमें तो जहर है। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची थी क्या? रात ना, रात ना गुहाना पहुंची ही आ गई पुलिस आपके गांव में। आई थी आपके घर पे? ले गई है। कहां पर हैं अब वो? वहां है, वहां पर पोस्टमार्टम के लिए। अब पुलिस क्या मदद कर रही है आपकी? कोई मदद कर रही नहीं? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। नहीं, पुलिस मदद कर रही है आपकी?